Real Magic by Wayne Dyer. And this is a book basically that explores the concept of manifesting one's desire. It's a very strong topic. I think what I'm thinking, you know, materializes, right? So it's my points point strong? We try to summarize the book into five points. So the first one is power of belief, right? And we'll take the we'll take the whiteboard.

उटकम चलो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट हम सबको पता है ये कोई नई बात नहीं है बट मेन चीज़ होती है कि किस तरह यू कंटेम्पलेट दैट इन टू रियल लाइफ राइट जब आपका ट्रस्ट करने का टाइम होता है और स्पेशली जब आपको लगता है नहीं यार ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं यू नो सो दैट्स वेयर यू ऑल स्टार्ट गेटिंग इन टू कि अब क्या करना चाहिए ओके एवरीबडी टर्न ऑन द वीडियो कैमराज बिकॉज वी नी टू टॉक यू नो सो शहनाज वट थिंक बिलीव करना मुश्किल क्यों होता है ये मानना आसान है कि यू you नो know, पॉजिटिव सोचो पेत रखो तो मटीरियलाइज या मैनिफेस्टेशन होगी बट ये बिलीव कर क्यों नहीं पाते लोग हम लोग तो होता क्या आई थिंक ये बहुत जरूरी बात है एंड दिस इज यू नो आई समल्सो हम सबकी आदत क्या है हम अपना अगर इमोशनल गेस्चर या वर्बल गेस्चर नोट करें तो हम लोग सब बोलते हैं शुक्र शुक्र शुक्रमोला बहुत है बहुत है बहुत है राइट सब फालतू की बात है ऊपर के बाउथ है राइट यू नो यू फेक इट मेक इट राइट अंदर से अगर शुक्र कर रहे हो मतलब

पैडलिंग द कार कि हमको पता है कि पार्किंग में डालना है तो पीछे करना है रिवर्स करना है तो ये करना है इधर है ब्रेक इधर है तो इस तरह हमारे मुंह पे शुक्र होता है बट दैट सुपरफिशियल बिलीफ अगर वाकई शुक्र हो ना तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती मोलाली का कॉल है कि एक साथ दो अपोजिट बातें नहीं हो सकती न अपोजिट बातें क्या है कि या तो शुक्र होगा या तो कंप्लेन होगी अगर शुक्र होगा तो कंप्लेन नहीं होगी और कम्प्लेन होगी तो शुक्र नहीं होगा कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज यू हैंड अपने आप को देखो मतलब वी आर ऑल डूइंग दिस जस्ट टू आवर सेल्फ सेल्फ इंक्लूडिंग राइट हम लोग बहुत दफा ऊपर वाले का सोच जब थिंक अबाउट योर कॉन्वर्जेशन विद गॉड आजकल की तो लाइफ में टाइम ही नहीं है ठीक है जो दुआ हम लोग पढ़ते हैं उसको पांच मिनट को नहीं बोलो उस उसमें भी चार जगह पे ध्यान जाते है कि टू डू लिस्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है राइट right? लेकिन ये कि दोज हु एक्चुअली

Fully देता रिचे तो मेरी सोल मेरी लाइफ को टाइम देती है सोचो राइट सो देर इज समथिंग और हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है हमको बचपन से सिखाया गया है कि चार से पाँच का टाइम इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग इज इम्पोर्टेंट हमको बोला गया शुक्र करो सबर करो हमको सब पता है मतलब मैं कोई एक, एक एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा हूँ आपको ट्रस्ट भी मैं बता रहा हूँ तो रेज योर हैंड कोई नई बात नहीं बता रहा हमको सब चीज़ें पता है हमको सारे फिफ्टी ऑथर्स टू हंड्रेड ऑथर्स से ज़्यादा पता है प्रॉब्लम ये कि वो हमारे अंदर इतना फेकअप हो गया है कि हमने एक मिनट सोचा ही नहीं कि यार हम लोग जो शुक्र कर रहे हैं वो वाकई दिल से कर रहे हैं या दिखावे के लिए कर रहे हैं अपना दिल या अपना बिलीफ नहीं लगा सकते कि ये चीज़ हो जाएगी मेरे साथ अच्छा हो जाएगा मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे मेरी भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी मैं भी स्पिरिचुअली बहुत आगे हो जाऊंगा मैं जो जिंदगी में करना चाहता हूँ कर लूंगा हम बोलते रहते हैं बट हम दिल से नहीं मानते हैं और नो रेज यू हैंड्स बहुत ऑनेस्टी के साथ क्योंकि यहाँ वो लोग भी बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम दिल से जब भी बोलते हैं ना तो दुनिया भले हंसती है मगर वो काम हो जाता है दो लोगों ने भी एग्जाम्पल दी सही बात है नवत वालिया ने तो और वो भी यही कह रहा है कि उसने पचास हजार लोगों को स्टडी किया और जो लोग सक्सेसफुल है ना वो दिल से मान लेते हैं एक चीज को तो द क्वेश्चन इज कि क्यों आठ बिलियन लोगों में से सिर्फ एक लाख लोग जिनके नाम बहुत मुश्किल से सुनने मिलते हैं वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं बट बाकी सेवन बिलियन नाइन हंड्रेड थाउजेंड

उसने बोला कि तुम जाओ खुदा से मांगो बोला कब से तो मांग ही रहा हूँ खुदा देता ही नहीं मुझे मेरी तो सुनता ही नहीं है बाकी सबकी सुनता है लोग अमीर अमीर हो रहे हैं मेरी ही नहीं सुनता है तो बोलता है चलो तुम्हारी शायद सु, खुदा ने सुन ली जाओ जाके गेट अ स्टोन फॉर मी पत्थर लेकर आओ जाके तो वो जाके पत्थर उठा के ले आता है तो वो उस पर नाम लेता है खुलूल्ला पढ़ता है और ऐसे करके उसको दे देता है और वो स्टोन जो है वो गोल्ड बन जाता है बड़ा हैरान होता है बोलता है इतना छोटा स्टोन क्यों उठा के दिया बड़ा वाला देना चाहिए था मुझे कहता है ठीक है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसका थैंक यू करता है घर जाता है बेटी की शादी का वो भूल जाता है वो कहता है मुझे सोना बनाने का तरीका मिल गया सो so, वो जाता है बहुत सारे पत्थर जमा करता है और बोलता है आई गॉट द वे टू मेक द स्टोन बेटी की शादी तो बात नहीं हो जाएगी थोड़ा सोना बना देता हूँ हो जाता है कुल कुल्ला है कुछ नहीं होता पत्थर ही होता है दूसरा पत्थर उठाता है तीसरा उठाता है चौथा उठाता है सुबह उठता है फजर के वक्त नमाज़ पढ़ता है यू नो सब ही कुड इन हिज रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वो दूसरे दिन बहुत गुस्से में आता है पूरा दिन उसने लगा दिया एक भी पत्थर सोना नहीं बना वो पूछता है सूफी को यू आर अ लायर तुम चीटर हो तुम बिट्रे किया तुमने बोलो बोलता है मैंने क्या बिट्रे किया बोलता है तुमने बोला बेटी की शादी है मैंने मदद की खुदा से मांग के बोलता है यस बट तुमने कुल्लू अल्लाह बोला वो सोने का बन गया और मैं पूरा दिन रात लगे रहा और नहीं हुआ उसने बोला कि वो तुमने कुल्लू अल्लाह बोला था कि मैंने कुल्लू बना था तुम्हारा रिलेशन खुदा के साथ कुछ और था मेरा रिलेशन खुदा के साथ कुछ और था राइट तो ले जाओ और जो तुमने मांगा था तुमको मिल गया इस पर भी तुम शुकर नहीं कर रहे तो कॉन्टेक्स क्या हुआ खुदा वही है पत्थर वही है तरीका वही है एक का रिजल्ट आया एक का नहीं आया क्यों चनास। अकीदा अकीदा भरोसा क्या हम जब फेथ बोलते हैं तो हम बहुत दफा कंफ्यूज कर लेते हैं बीइंग अ मुस्लिम बीइंग अ क्रिश्चियन बीइंग अ जीव क्या ये फेथ है नहीं दैट्स रिलीजन राइट हम बहुत दफा फेथ और रिलीजन को डिफर कर लेते हैं खुदा ने कभी भी ये नहीं कहा कि जन्नत या जो मेरे ब्लेस्ड लोग होंगे हेवन में वो सिर्फ मुसलमान ही आएंगे उसने बोला हर दुनिया के लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो आएंगे जो मेरी बिलीफ रखते हैं राइट हम बहुत दफ़ा फेथ को ले जाते हैं रिलीजन हम तस्बियाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं लेकिन शायद हम खुदा को खुदा के नाम से एक दफ़ा भी बोल लेते हैं ना इंटेंसिटी के साथ तो शायद वो देखो खुदा ने कुरान में खुद कहा कि मैंने एंजल्स बनाए और एंजल्स का काम क्या है वो मेरी तस्वी ही निकाल रहे हैं सुबह शाम दिन रात राइट तो अगर हम भी 110 दाने की 50,000 दाने की तस्वीर लेके बैठ जाए तो डज इट मेक अ डिफरेंस राइट वरना yes no? right? तो वो एंजल्स ही बनाता है ना उसने इंसान क्यों बनाया उसने बोला मैंने बेस्ट क्रिएशन बनाई क्या बनाई इंसान बनाई तो ये तो समझ आ गया कि उसने हमको कुछ ऐसा दिया जो कि एंजल्स को भी नहीं दिया राइट right? तो वो क्या दिया शायद इंटेंसिटी दिया राइट right? एक आदमी ट्वेंटी किलोमीटर एन आवर पे गाड़ी चलाता है और एक टू हंड्रेड किलोमीटर पर गाड़ी चलाता है चलाते गाड़ी दोनों ही है बट यूस्टन से डायलस अगर लॉ परमिट करे तो एक आदमी आधे घंटे में पहुंच जाएगा और दूसरा घंटे में पहुंचेगा ठीक है और जो डोंकी कार्ट पे बैठा होगा वो शायद छह साल में पहुंचेगा राइट तो शायद मसला यहाँ पे इंटेंसिटी का आ जाता है कि वो भरोसा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो खुदा दे देगा और वो दे सकता है और वो क्यों नहीं देगा राइट right? वो जब बिलीफ हो जाता है तो चीजें मैजिक होना शुरू हो जाता है जिसको वो कहता है है रियल मैजिक वो कहते हैं ये रियल मैजिक इंसान करता है लेकिन हमारी बुक्स बताती है कि वो रियल मैजिक खुदा करता है क्यों क्योंकि उसका आपका बिलीव बिल्कुल ऐसा हो जाता है आप लोग जाओगे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वाक्य मौजूद हैं एंड मेटाफिजिक्स में लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं कि एक माँ जिसका बच्चा ट्रक से टकराने वाला था और उसने एक हाथ से ट्रक को रोक दिया यू you नो know? उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि वो एक हाथ से क्या उसकी पूरी फैमिली आगे रोकती तो ट्रक को नहीं रोक सकती थी लेकिन उसने रोक दिया एंड दिस इज अ प्रूवन यू नो इसकी पूरी पूरी वीडियो डॉक्यूमेंट्री है सीएनएन की सो व्हाई अ ह्यूमन कैन डू मैजिक कि उसने उस एक मिनट में कुछ और नहीं सोचा कि ये होगा कि नहीं होगा उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया फुल ट्रस्ट के साथ और उसने रोक के दिखा दिया यस और नो राइट देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक आप थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लो एलॉन को ले लो वी ऑलवेज थिंक हिम लाइक अ थिंकिंग बट आप उसको कभी सुनो वो कहता है कि मैंने इसलिए कंपनी खड़ी की कि मैं दुनिया को डिजास्टर से बचाना चाहता हूँ उसने इस तरह की ड्राइड बैटरी सेल्स बनाए उसने स्पेस की टेक्नोलॉजीज बनाए उसने सब पेटेंट हटा दिए कुदरत ने क्या किया उसको दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दिया यस और नो राइट आज वो ये कहता है कि मैं नासा के पास गया और मैंने नासा को बोला कि यार रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है ऊपर से नीचे वाला रॉकेट क्यों नहीं बनाया है तो नासा हंसता है बोलता हैं तुम कौन हो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है तुमने क्या किया है राइट भाग जाओ यहाँ से तो भाग गया वहां से बट फिर कुछ साल बाद आया और उसने नासा को खरीदने के लिए ऑफर दे दिया और उसने ऊपर से नीचे वाला रॉकेट बना लिया तो उससे कभी किसी ने पूछा कि तुम ये कैसे कर लेते हो मतलब तुमने टेस्ला बना लिया दुनिया को हिला दिया मतलब एक इलेक्ट्रिक कार बना दी तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है इंजीनियर हो कौन हो तुम उसने बोला मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरी नीयत बहुत साफ है कि मुझे दुनिया को बचाना है और हर एक की नीयत कुछ ना कुछ है बिल गेट्स की नीयत है कि उसको मलेरिया ख़त्म करना है अफ्रीका से तो वो अपने पैसे वहां डाल रहा है वॉर प्रोफिट तो हर आदमी जो बड़ा बन गया है ना वो बहुत बड़ी नीयत के साथ बड़ा बना है हमको उसका पैसे का साइड नज़र आता है बट हमको ये साइड नजर नहीं आती जो खुदा ने कहा था कि आपके एक्शंस वही होंगे जो आपकी नीयत होगी राइट? Right? तो अब सवाल है कि एक आदमी या शहनाज लोखंड वाला जिसके घर में दूसरे भी लोग सभी को ग्रीन कार्ड चाहिए ना भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं चाहिए बट चार लोगों में से सबको एक गोल चाहिए और सब लोग दुआ कर रहे हैं अपने अपने स्टाइल से खुदा को मस्का पॉलिश कर रहे हैं कि यू नो ग्रीन कार्ड दे दे ग्रीन कार्ड दे दे ग्रीन कार्ड दे दे कोई जल्दी जा रहा है कोई लेट जा रहा है उल्टा कोई पीछे जा रहा है कोई कह रहे नहीं मेरा तो हो ही नहीं इसका उसका उसका हो जाएगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अगेंस्ट में कुदरत को खड़ी कर लेते हैं कि नहीं मुझे पता है ऊपर वाला इस सब का कर देगा मेरा ही नहीं करेगा डू यू नो बहुत सारे लोग हंस रहे हैं राइट दे कैन रेजोनेट दि से हम भी करते हैं राइट तो हुआ क्या डेस्टिनी सबकी एक ही थी विच इज अमाल अमाल क्या एक्शन थे ग्रीन कार्ड गए प्रोसेस किए है डॉक्यूमेंटेशन की बायोमेट्रिक की बैचलर्स किया मास्टर्स किया गैस स्टेशन खरीदा जो करना किया सब वो ही करते हैं अमाल सब करते हैं बट हर एक की नीयत अलग अलग होती है तो खुदा रिवॉर्ड किस पे देता है नीयत पे देता है तो वो आदमी नाउलम बैक टू दैट बिल गेट्स थिंग जिसने इतने साल बाद वो न्यूज़पेपर वाले को बुलाया और कहा कि यार तुम मेरे से अमीर आदमी हो और लोग हंस रहे थे उसने बोला यार तुम इतने बिलियन डॉलर के मालिक और वो न्यूज़पेपर वाला न्यूयॉर्क में स्टैंड पे न्यूज़पेपर बेचता है वो अमीर कैसे उसने बोला उसने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं बिल गेट्स नहीं था और उसके पास दस डॉलर की इनकम थी जिसमें से एक डॉलर उसने मुझे अखबार का दे दिया था तो उसकी नीयत हेल्प करने की थी आज अगर मैं एक बिलियन डॉलर में से उसको दस मिलियन भी दे दूँ ना तो आज मेरी नीयत हेल्प करने की नहीं है दिखावे की है कि मैं चाहता हूँ मेरा नाम आए मेरी तख्ती आए मेरा बोर्ड आए मेरा नाम डोनर्स पर आए मेरा नाम कुछ ना कुछ आए पीपल शुड नो अबाउट मी मेरी गुण गाया जाए ये और नो डू यू ऑल अग्री टू दैट मदद दोनों ने की बट एक की नीयत क्या थी और एक की नीयत क्या थी तो खुदा जो है ना आपको शायद इस पे इवेल्यूएट करता है शायद नहीं करता है ये क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है राइट मैं जो इवेल्युएशन करता हूँ वो नियत पे कर पाऊँ तो हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे जिंदगी में काम नहीं हो रहे हैं तो हमारी नियत में तो कोई मसला नहीं है तो गो बैक एंड एस योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट मोर मनी और आपको शायद उसका जवाब मिल जाएगा कि यार ठीक है मैं इतने पच्चीस साल से पैसे के पीछे भाग रहा हूँ भाग रही हूँ यू नो एंड यू नो बहुत सारे लोगों को हेल्थ चाहिए हेल्थ नहीं मिल रही बहुत सारों को स्लीप चाहिए नींद नहीं आ रही है ठीक है बहुत सारों को पीस ऑफ माइंड चाहिए पीस नहीं मिल रहा है राइट right? सो so, वो क्या करते हैं शॉपिंग करते हैं टेम्प्रेरी थिंग्स करते हैं राइट इट्स इट्स अ प्रूव फैक्ट यू डू शॉपिंग आपको दस मिनट का पीस मिलेगा तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो वो भी पीस चला जाएगा जो आपका पहले था <laughs> लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट्स लोग बहुत पापड़ बेलते हैं यू नो यू जस्ट लुक एट द वर्ड हैप्पीनेस तेरह मिलियन सर्चेज हैं एवरी की गूगल पे वर्ड हैप्पीनेस की थर्टीन मिलियन अगर ये मसला नहीं होता दुनिया का तो लोग पागल नहीं है लोग तेरह मिलियन लोग हैप्पीनेस सर्च नहीं करते गूगल में कि मुझे बताओ हैप्पीनेस कैसे मिलेगी राइट बिकॉज तो ये सारे लोग थे जो साहब है यू नो प्रॉफिट के नियर एंड डियर वन से बहुत इबादत गुजार लोग थे मतलब तो ऐसे आजकल की तरह के मॉलिज्म वाले टाइप के नहीं थे बहुत पहुंचे हुए थे तो हजूर ने अब देखो वो डेफिनेशन जो देखे गए वो ऐसी नहीं है कि आज रहे वो हमेशा रहने वाली डेफिनेशन है चाहे ट्वेंटी थर्टी आ जाए या ट्वेंटी एट्टी आ जाए राइट सो ही सेट अगर तुम्हारे सर पे छत है और उस दिन का खाना है कितने दिन का खाना है सिर्फ उस दिन का खाना है तो यू आर द अमीर राइट अब आ जाओ शनास की बात पे हमको टेंशन क्या है कल क्या होगा एक साल बाद क्या होगा दस साल बाद क्या होगा पंद्रह बीस साल बाद क्या होगा ठीक है कोविड टू आ गया तो क्या होगा मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होगा इतना वैक्सीन राइट और रिसेशन आ गया तो क्या होगा सी एन देखते हो दुनिया जाने वाली रिसेशन में दुनिया खत्म होने तो ऊपर वाला आपको कह रहा है अच्छा इधर मौला अली पर आ जाओ ठीक है एक तरफ इमाम ऑफ द टाइम कहता है आपको थिंक फिफ्टी ईयर्स अहेड ट्वेंटी ईयर्स अहेड थर्टी ईयर्स अहेड मगर एक तरफ कुरान में ये भी कहता है कि बहुत लंबी लंबी प्लान ना करो बहुत लंबी लंबी सोचे मत करो क्योंकि वो तुम्हें एक अलग उसमें ले जाएगी तो यहां हमको समझना जरूरी है कि एक तरफ हमको बोला जा रहा है कि प्लान है लेकिन हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ की एक बुक पढ़ी थी आपको याद होगा हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं बैंक बैलेंस इन द अकाउंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखो साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है साइकोलॉजिस्ट का मतलब वो आदमी जिसने पचास साल माइंड को पढ़ने में गुजारा है उसने कुछ और नहीं किया है right? राइट वो ये कह रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है हमने लास्ट टाइम नंबर्स लिखे नंबर ले गए थर्टी परसेंट माइंड एंड ट्वेंटी परसेंट वॉट बैंक बैलेंस डू यू हैव इन योर अकाउंट हम क्या समझते हैं हंड्रेड परसेंट बैंक बैलेंस तो हम उसी में लग जाते हैं यू नो यू डू फायर फाइटिंग एंड ऑल तो मेरे ख्याल से शायद इसका मतलब ये है जो आ रहा है कि ट्रस्ट द गॉड बट लॉक अपनी गाड़ी को लॉक करके फिर गॉड पे ट्रस्ट करो हाँ गाड़ी खुली रख के चले गए अंदर रख के पैसे वैसे ठीक है या पुराने में अपनी बैल को बांधो को कोई चोरी नहीं करेगा राइट लेकिन उन्होंने तो खुला छोड़ दिया जानवर को तो वो चला जाएगा ऑब्वियसली राइट जाने जहां तो अपना स्ट्रगल करना है बट फिर ट्रस्ट करना है हमारा प्रॉब्लम क्या होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते है ना कल क्या होगा परसों क्या होगा तो उस प्लानिंग के चक्कर में एक फियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से राइट right? तो एक उस आदमी को फियर है जिसके पास बहुत आ गया है और एक उस आदमी को भी फियर है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है राइट right? दोनों ही फियर में जी रहे हैं तो आपकी स्टेट ऑफ लाइफ चेंज नहीं हो जिसकी आपकी डेफिनेशन सक्सेस की है कि बहुत पैसे आ जाएंगे बैंक बैलेंस आ जाएगा यार आ गया तो भी टेंशन में जी रहे हो कि चला जाएगा तो क्या होगा नहीं था तो भी टेंशन में जियोगे आएगा तो क्या होगा राइट तो दिस इज एक्चुअली योर स्टेट ऑफ माइंड हमको समझ आया दिस इज नॉट समथिंग योर बैंक बैलेंस योर मटेरियल सक्सेस दिस इज योर स्टेट ऑफ माइंड सो लिख लो अपने पास कि फियर एंड फेथ इज माय स्टेट ऑफ माइंड ये एक हमको नई चीज पता चली हमको लग रहा था ये बेस्ड ऑन मटीरियल पोजेशन दैट वी हैव है राइट कि शायद हमको इसलिए मटेरियल फेथ है कि यार एक मिलियन डॉलर अकाउंट में नहीं पड़े हुए पांच मिलियन डॉलर या एक लाख डॉलर जो भी आपकी डेफिनेशन है राइट आज ऐसे भी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग वाले मिलेंगे जो बोलेंगे एक लाख डॉलर साल का सेफ करो ऐसे ही बोलेंगे बोलेंगे मिलियन भी कम है सो दैट्स मटीरियलिटी बट हमने ये देखा कि दोनों तरफ लोग खुश नहीं है ठीक है सो स्टेट ऑफ माइंड अब सवाल आया कि स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज की जाए ठीक है तो अब हम लोग आ गए हैं state of mind makes the magic in the world right उसके बारे में बात करते हैं जी शरीफा ख्वाजा आयुब दस एक आदमी अपनी स्टेट ऑफ बोलेंगे अभी बैठने तो तो सर अभी तो मैं आई अभी से सवाल पूछ लिया आपने राइट में क्या करूँ मेरा मसला है वीडियो जिसकी भी नजर आती है मैं पकड़ लेता हूँ स्टेट ऑफ माइंड आदमी कैसे चेंज करता है ने दो कान दिए और बीच में ब्रेन दिया राइट सो नाउ इट्स ऑन यू के यहाँ से फौरन निकाल देने का है यूजलेस या यहाँ से यहाँ को प्रोसेस करना है कि नहीं आर वैल्यू यूजफुल राइट तो या तो हम लोग सारी बातों को प्रोसेस करना शुरू कर देते ओह उसने ऐसा कैसे बोला मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो मसला होगा ओह मैंने तो उसको इतना रखा लाइफ में उसने ऐसा बोल दिया मेरे बारे में ओ पता है मैंने क्या क्या किया अब आपके दो दिन लग गए मैंने उसके लिए क्या क्या किया तो आपने पचास हजार चीजों की लिस्ट बनाई और फिर आपने बोला अच्छा इतनी पचास हजार चीजें की और उसने ऐसा बोल दिया और बड़ा कर दिया हजार तो आप एहसान आपने क्या किए जिससे कि आपको वो और बुरा और कड़वा लगना शुरू हो गया यूडेटे में पांच अच्छाई और क्या है जिसकी वजह से उसको मैं फोकस करूं तो ये चीज शायद छोटी हो जाए यस और नो राइट सो थोड़ा सा जो है ना वो अगेन वी आर बैक टू नियत हमारी नियत क्या है हमारी नियत किसी को सजा देने की है कि यार हम हमेशा रहते हैं कि कब कोई साला मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा करे और मैं उसको कंडेम करूं कि मैंने कितना अच्छा किया और देखो एक और आदमी ने आज मेरे साथ बुरा कर दिया दुनिया तो है ही बुरी ये सर्न नो नाउ मेनी ऑफ यू आर लाफिंग राइट ये हमारी नियत है सो आई वॉज रीडिंग अ साइकोलॉजिस्ट और वो बहुत अच्छा है, इंडिया का साइकोलॉजिस्ट है वो कह रहा था हमारी जो है ना बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं माइंड में अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको लिख लो उसने बोला जिस आदमी को ब्लेम करने का शौक़ है ना वो ब्लेम करने का मौका ढूंढेगा वो बोलेगा यार मज़ा नहीं आ रहा किसी को ब्लेम नहीं किया इतने दिन से तो वो चीज़ों में कीड़े निकालेगा बोलेगा अच्छा खाना सही नहीं बना अच्छा रिसेशन आ रहा है अच्छा जो है कपड़े सही नहीं धुले अच्छा जो है वो घर खराब हो रहा है तुमने ये नहीं किया बच्चे को सबको ब्लेम करना शुरू कर देगा अपने अलावा राइट किसी को जिसको शुक्र करने का शौक़ है वो शुक्र के मौके उसका लॉस भी होगा बोलेगा अच्छा हुआ ग्लास टूट गया अच्छा होगा अच्छा हुआ ये हो गया अच्छा होगा अच्छा हुआ, ये हो। वो ये वो शुक्र करेगा ऊपर वाले का और ऊपर वाला उसको और देता है राइट किसी आदमी ने कहा कि ऊपर वाले से प्रॉफिट को बोला मूसा को के मूसा बहुत दे दिया खुदा ने शुक्र है उसका उसको बोलो ब और नहीं दे और बहुत सारे गरीब हैं उसको दे और दूसरा गरीब बोला बोला खुदा मुँह जा और जाके बोलना कुछ दिया ही नहीं जिंदगी में मांग मांग के थक गया तो खुदा ने उसको बोला कि जो मांग रहा है उसको बोलो कि शुक्र करना शुरू कर तो मिल जाएगा और जो शुक्र कह रहा है उसको कह रहा है कि नहीं चाहिए तो शुक्र बंद कर दे तो नहीं दूंगा तो शुक्र करना ही बंद नहीं कर रहा तो मैं देना कैसे छोड़ दूँ राइट तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम शुक्र नहीं करते खाली मुंह से करते हैं मुंह के फायर राइट दैट्स वट वी आर सो हमने यार लिखा है कि हमारी चीजों में फोर्स नहीं है फोर्स का मतलब हम बोल रहे हैं मुंह से शुक्र लेकिन हमारा दिल शुक्र नहीं कर रहा वी डोंट बिलीव इन वॉट वी आर सींग मतलब जो बेसिक डेफिनेशन कुरान में खुदा ने कही थी ना मुनाफिक वॉट इज मुनाफिक इन इंग्लिश हिपोक्रेट इन हिपोक्रेट इज अ वेरी हैवी वर्ड उसको गूगल करोगे ना तो उसका मतलब है ऐसा आदमी जो बोले कुछ और करे कुछ और एक मिनट के लिए सोचो आर वी ऑल हिपोक्रेट्स येस और नो ऑनेस्टली शायद कोई भी ऐसा नहीं हो जो हिपोक्रेट ना हो आज की दुनिया में यस और नो राइट हम बोलते कुछ है करते कुछ है सोशल मीडिया किससे भरा हुआ है फेक इट इट मेक से भरा हुआ है जो लाइफ नहीं होती वो दिखाते हैं जहाँ जा नहीं सकते वहां जाके फोटो खींच के बेचते हैं यार अच्छा हमारा स्टेटस होना चाहिए दुनिया इतनी ब्रांडिंग की तरफ बिग कार्स की तरफ बिग हाउसेस की तरफ क्यों जा रही है हिपोक्रेसी राइट right? तुमको दिखाने की क्या जरूरत है लोगों को बिकॉज बिग पीपल्स डोंट इवन वॉन्ट टू शो वॉरेन बुफेट आज भी वेफल में खाना खाता है right? राइट और हमको मैकडॉनल्ड्स में जाके फ्राइज लेने में शर्म आती हो कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा मैकडॉनल्ड्स से खाना खाता है ओ माय गॉड राइट तो क्या है ये फेक इट मेक इट सो खुदा कहता है फॉर आवर इंफॉर्मेशन आई हेट हिपोक्रेट्स द के अल्फाज है कुरान में आई हेट हिपोक्रेट्स तो हमको ये सोचना है कि यार क्या हम लोग वो तो नहीं बन गए राइट एंड इफ वी आर देन मे बी वी शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस राइट क्योंकि अगर मैजिक करना है दुनिया में तो खुदा को दोस्त बनाना पड़ेगा ये बहुत क्लियर बात है हैवी ड्यूटी बैटरी को अपने साथ रखना पड़ेगा दुनिया की सबसे बड़ी हैवी ड्यूटी बैटरी इज गॉड तो खुदा खुश है तो तुम्हारा काम चालू यू नो लाइफ इज विद यू तो ये देखना पड़ेगा कि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं क्या उसको आप मैच कर रहे हो या उसी को काटे जा रहे हो यू you नो know? तो फिर काम नहीं बनेगा सो द सेकेंड वन इज माइंड बॉडी कनेक्शन जिसकी मैंने अभी बात की आप लोगों से क्या होता है माइंड बॉडी कनेक्शन लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट कितने लोग समझते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन को ये शायद आसान वर्ड है लेकिन शायद थोड़ा मुश्किल है अशरफ रहता नहीं वो सोचो तीन चीजें ऐसा नहीं हो सकता कोई आज 2024 में इतना अच्छा ड्यूरा सेल का बैटरी वाला नहीं है जो जो सब बोलते हो वही करते हो कुछ ना कुछ झूठ बोलते हो जिंदगी में राइट अपने आप से लोगों से क्या क्या झूठ बोलते हो जो आप नहीं करते हो सकता है आप दुनिया को बताते हो यार मेरे जैसा कॉन्फिडेंट लेकिन आप बंदे से बहुत डरे हुए हो राइट राइट हो सकता है आप अपने स्किल के बारे में दुनिया को लाए करते हो कि नहीं यार मैं तो यू नो आई बाई दिस ब्रांडेड क्लोथ क्लोज बट आप बहुत सस्ती जगह से जाके कपड़े खरीदते हो राइट दैट्स हिपोक्रेसी क्या जरूरत है छुपाने की राइट आप एक एक इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हो और आप चाहते हो कि लोग आपको वैसा ही देखे जैसा वो देखना चाहते हैं बट आप वैसे नहीं नहीं हो हो आपका दिल मानता वो फेक एक्सपेंसेस करने को लेकिन आप करते हो, right? आप करते जस्ट बिकॉज यू यू वांट पीपल टू टेक सीरियसली राइट बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो जो आपका दिल नहीं मानता मगर आप करते हो बिकॉज यू वॉन्ट अदर्स टू से हाँ जबरदस्त यार सरोज बाड़ी वाला को देगा कितना एक्सपेंसिव रोलेक्स वॉच पहनती है जबरदस्त यू नो सोच बोलते यार ये यार किसी की मदद हो जाती है you know? कुछ ना कुछ हो जाता राइट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल राइट सो यू डू मेनी थिंग्स इन लाइफ पीपल कंपेल यू टू डू लेकिन लोग कंपेल करते नहीं हमारा माइंड कंपेल करता है राइट right? हमारा माइंड बोलता है ये कर लो बिकॉज इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और हम कर लेते हैं दैट्स हिपोक्रेसी बिकॉज माइंड ने बोला कर लो वर सेइंग समथिंग बट बॉडी ने बोला नहीं यार दिल नहीं मान रहा ऐसी कितनी चीजें हैं जस्ट थिंक अबाउट थ्री जो आपने पिछले एक महीने में की और उसके बाद लोग खुश थे मगर आप शायद खुश नहीं थे दिल से एंड है तो रेज योर हैंड बताने की जरूरत नहीं है दैट्स योर पर्सनल थिंग लेकिन रेज योर हैंड आई एम श्योर सबके पास कुछ ना कुछ होगी वर्क प्लेस दैट कुड बी एट फैमिली प्लेस दैट कुड बी विद फ्रेंड्स ठीक है फिर आपका दिल जितना बड़ा है आप फोग्यवगे वन फेट करते रहते जो कि बहुत अच्छी बात है सो so, वो ये कह रहे हैं ऑथर कि अपना माइंड बॉडी का कनेक्शन बनाओ और देखो अपना स्केड्यूल सेवन टू सेवन क्या है या सुबह सेवन इन द मॉर्निंग टू इलेवन एट द नाइट या जो भी आपका स्केड्यूल है फोर इन द मॉर्निंग टू एट एट द नाइट क्या क्या किया आपने लिखो ठीक आप, है आप वर्कआउट के लिए गए गुड आपकी बॉडी भी ये चाहती है आपका माइंड भी ये कर रहा है परफेक्ट नहीं आप वर्कआउट के लिए नहीं गए आपने अंडा पराठा खाया एक्स्ट्रा घी तेल लगा के ठीक है आपका माइंड कह रहे है, खा लो लेकिन आपकी बॉडी इजाजत नहीं दे रही है और बीसीटी आई और डायबिटिक आई और ब्लड प्रेशर इज हाई तो ये आपने अगेंस्ट द माइंड बॉडी कनेक्शन किया आप अठारह अठारह घंटे काम कर रहे हो ठीक है दिन भर सोच रहे हो कि और क्या बिजनेस करूं और क्या अपॉर्चुनिटी करूं ऐसे बहुत सारे लोग जो 24 तो घंटे बिजनेस का सोचते रहते हैं हालांकि राइट रेस्टलेस रहते हैं इसीलिए नहीं कि उनके पास कम है या कम हो जाएगा इसलिए बस जस्ट एक एक ग्रीड बन गया है राइट और शायद अच्छा नहीं लगेगा ये ग्रीड वर्ड बट ये ग्रीड बन गया है राइट सो तो उससे क्या होता है आपका माइंड बॉडी वर्ड आप अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं दे पाते आप फैमिली के साथ भी बैठ के इंजॉय नहीं कर पाते आप वर्कआउट के लिए टाइम नहीं दे पाते बिकॉज आपको लगता है अब वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है ये और नो जबकि एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन बॉडी बिल्डिंग क्लब्स में बैठे बट उनको बाहर जाके पढ़ना नहीं है या एजुकेशन नहीं लेना है या वर्क नहीं करना है वो भी बिल्कुल गलत है राइट right? बैलेंस तजाद यू नो सो थिंक अबाउट इट आप सीनियर हो आप एट्टी हो सेवेंटी हो आपका दिल चाहता है कि आप बाहर जाओ लोगों से मिलो शॉपिंग करो बट आप बोलते हो छोड़ना यार अभी लोग हंसेंगे मुझको कौन लेके जाएगा क्या अगेन आपका माइंड कह रहा करो आपकी बॉडी नहीं कर रही राइट right? इसलिए आप खुश नहीं हो तो सोचो कि बॉडी को चाहिए क्या वो माइंड को सिग्नल दो कि भाई तू बात सुन ले बॉडी को चाहिए लेट्स एक्ट अकॉर्डिंगली अच्छा बच्चा बन जा एंड कभी कभार बॉडी को बोलो कि तुम ये कर लो बिकॉज माइंड ये कह रहा है यू नो डोंट ईच टू मच शुगर अच्छा लग रहा है बट बॉडी के लिए अच्छा नहीं है राइट right? सो so वो कह रहा है जब दोनों फंक्शन हारमोनी में आ जाएंगे ना तो मैजिक होगा मैजिक क्या होगा कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा आपने सोचना शुरू किया कि यार मैं रोज एक अच्छा काम करूंगा किसी को खुश करूंगा और किसी एक आदमी को माफ कर दूंगा छोटी सी हैबिट कोई ना कोई तो आपको टकराएगा जो आपको हर्ट करेगा लेकिन आपके पास एक कॉइन मौजूद है हंड्रेड डॉलर का आपने बोला चल तेरे को दे दिया माफ कर दिया ठीक है तूने गलत किया ठीक है और आप ढूंढोगे यार कोई तो ऐसा मिले जो आज कुछ मेरे साथ बुरा करे तो मैं माफ कर सकू किसी को राइट वो कॉइन मिस हो रहा है आज नहीं मिला दूसरे दिन चले जाओ दो कॉइन हो गया आज दो को माफ कर

Wow. और वो ऑथर ये कहता है कि इसको रोज इसको रोज देखो राइट right? बिकॉज़ तुमको लाइफ में पता तो है कि क्या करना है मसला ये है कि लोगों का जिनको लाइफ में पता नहीं है कि करना क्या है अनहैप्पीनेस उनको आगे पकड़ता है जिनको पता नहीं है कि करना क्या है मेरा सवाल आप लोगों से ऑनेस्टी के साथ ओपन अप योर आइज कितने लोगों को पता है कि मुझे करना क्या रेज योर हैंड्स दो सौ क्लासेस के बाद तो यार पता होना चाहिए कि क्या करना है वरना इतना मोटिवेशन का क्या करोगे दीवार तोड़ोगे जाके क्या तो हाँ? so, जिन दिन को नहीं पता बना लो राइट अच्छा आप बोलो मुझे पता है मुझे जॉब करनी है मुझे बिजनेस करना है ये कुछ करना नहीं है ये आपकी सस्टेनेबिलिटी है यू डू दैट टू पे योर बिल्स येसर नो हरा नहीं करता है जिंदगी में अब वापस पूछ रहा हूँ करना क्या है कितने लोगों को पता है रेज यू ठीक है बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं बहुत सारे हंस रहे हैं उनको पता है बट सो डोंट शेयर दैट्स योर पर्सनल थिंग बट आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि क्या करना है ठीक है कुछ ना कुछ एक गम पकड़ लो जिंदगी में ताकि बाकी बड़े बड़े गम ना पकड़े आपको आके और uh, <coughs> एक बड़े बूढ़े कहावत कह के गए ना आइडल माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल खाली दिमाग शैतान का गढ़ तो खाली रखना ही नहीं है ना कुछ ना कुछ डाल देना है भले नबत वलियानी की तरह एम्ब्रॉयडरी डाल देना है या फरजाना की तरह कुछ डाल देना है या यू you नो know, जैस्मिन की तरह पेंटिंग डाल देना है कुछ भी डाल देना है बिजी रखना है ठीक है आप सबको पता है आप सब सीनियर्स हो आप सब इतने ओल्ड एज नहीं हो बट आप सबने देखे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया एंड आफ्टर रिटायर्ड उनको बीमारियों ने पकड़ लिया यस और नो राइट जब तक वो साइकिल चल रही थी चेन पे जंग नहीं लगा हुआ था जैसे ही साइकिल रुकी रेस्ट आ गया ऑयलिंग खत्म हो गई ऑयलिंग करते रहना है अपने आप को और ऑयलिंग कैसे होगी काम करने से हमको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले हमको लगता है कि यार रिटायर होंगे ना तो बहुत आराम करेंगे आज की दुनिया कहती है डोंट गेट रिटायर्ड बीमार हो जाओगे मिजरेबल हो जाओगे हॉस्पिटलाइज हो जाओगे काम करते रहो ठीक है काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता काम खुशी के लिए होता है स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ विक्ट्री एंड डिफीट इज इन दैंड ऑफ गॉड अच्छा चौथा पॉइंट है ओवरकमिंग बिलीव्स इसके बारे में कोई क्या बोलेगा अपने आप को चैल को एक एक मिल जाएगा फॉरन से मिल जाएगा टॉप ऑफ माइंड होगा अपनी वीकनेस को सोचो सबको पता होता है यार मेरे में ये वीकनेस है ये वीकनेस है ये वीकनेस है ये मुझे रोक देती है काम से दैट कुड बी टॉकिंग कॉन्फिडेंटली दैट कुड बी इंग्लिश लैंग्वेज दैट कुड बी थिंकिंग दैट यू आर पुअर दैट कुड बी थिंकिंग दैट आप इतने अच्छे नहीं हो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं आपके काम खराब हो जाते हैं जो भी एक्स वाई एक्सवाइज्ला आपकी हेल्थ खराब हो जाती है आपके दोस्त अच्छे नहीं मिलते मिलते आपके रिलेटिव अच्छे नहीं जो भी है. एक वीकनेस वीकनेस सोच लो समझो आपने सोची कि यार मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं बनता मैं तो अकेला हूँ या अकेली you हूँ know, मुझे लोग पसंद ही नहीं करते दैट्स लाइक अ वीकनेस राइट आपको लगता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है जो बाकियों में नहीं है दैट्स वीकनेस वीकनेस क्या होती है कि मेरे में ये कमजोरी है ये और नो राइट वाइटामिन सी ले लो कमजोरी खत्म हो जाएगी वो वाली बात नहीं रहा कह रहा ठीक है इमोशनल कमजोरी राइट ऑथर ये कह रहे हो उसको चैलेंज करो जिंदगी में ठीक है सबको तुम्हारे को ऐसा लगता है ना कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता कॉन्फिडेंस नहीं है कभी तो ऐसे जानते हुए स्ट्रेंजर को हाय हेलो करके दो मिनट बात कर लो यस सर हाउ यू डूइंग ऑल गुड कैसा जा रहा है हाउ हाउ इज इज द वेदर टुडे एवरीथिंग कैसा था सब ठीक है हाउ योर किड्स डूइंग वो खड़े रह गए तो उनसे पाँच मिनट बात कर लेगा थैंक यू वेरी मच आगे बढ़िया क्या हुआ तुमने अपने आप को चैलेंज किया और यू नो यूल ऑन अर्थ अरे बाप अरे मैं तो अपने बारे में सोच रही थी सोच रहा था मैं बात नहीं पांच मिनट बात की किसी ने मेरे से खड़े हो गए वो भी गोरे ने वो भी अंग्रेजी में ब्ला 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 वन, टू, एक्स वाई जी क्या हुआ चैलेंज किया आपने अपना तो राइट नेक्स्ट टाइम आपको मजा आएगा आप जान के किसी को छेड़ोगे बोले यार उधर वॉक करूँ या कोई लोग दो लोगों से और करोगे राइट मजा आ गया ना चार पांच बात करने के बाद आपने बोला ले भाई ये तो बेकार की वीकनेस थी मैंने खुद नहीं अपने ऊपर सवार की हुई थी येस और नो यू आर आर लाफिंग राइट मुझे पता है ये कॉमन बहुत सारे लोग बोलते हैं तो <coughs> so ये कर लेना जिन का मसला है ये और जो भी मसले चैलेंज करो क्योंकि चैलेंज करने में ही ग्रोथ है राइट आज आपको लगता है आज आप बहुत सारे काम कर सकते हो जो आप कल नहीं कर सकते थे Yes और नो कभी ना कभी तो चैलेंज किया ना या तो आपने किया या तो कुदरत ने किया कुदरत करती है तो बड़ा मुश्किल से हिलाती है बहुत जोर से हिलाती है कोशिश करो कुदरत ना हिलाए अपने आप को खुद हिला लो कुदरत हिलाने का क्या मतलब है आप बहुत झूठ बोलते हो आप बहुत हर्ट करते हो लोगों को और आप रियलाइज़ नहीं कर रहे कुदरत आगे फंसाएगी ना तो ऐसा फंसाएगी कि आप सीधे हो जाओगे यस और नो राइट आप लोगों का हक खा जाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल हर इंसान को वो इंसान परफेक्ट लगता है ना राइट right? हमको लगता है हम तो तो हमारे बाद तो मास्टर पीस बना ही नहीं ऊपर वाले ने मशीनरी बंद कर दी उसके बाद तो बाकी तो साइड वाइड के लोग आ रहे राइट मेरे जैसा मास्टर पीस तो आया नहीं राइट तो समझो आप कभी सोचो ना कि यार वाकई मेरे सेंस क्या हैं मेरे क्या मसले हैं दुनिया में तो आपको पता चलेगा वन टू थ्री तो आप उसको रिपेयर करने का कोशिश करो ऊपर वाले से प्रे करो मुझे तो ताकत दे के मैं वापस ना करूँ राइट और अगर समझ ही नहीं आ रहा लग रहा है वो मेरे में तो कोई बुराई नहीं है तो प्रे करो क्या ऊपर वाले बता के बुराई क्या क्या है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है क्या राइट खुदा कहता है कुरान में कि वो लोग जिनको उनके ऐब नहीं पता उनके साथ बहुत बुरा होगा और जिनसे मैं खुश होता हूँ उनको मैं उनके ऐप वाजे कर देता हूँ तो यानी जिनको अपने ऐप पता है खुदा उनसे खुश है कि उसने बताया है कि अभी से वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा राइट ठीक है तो क्लीन करना है लेकिन जिनको लगता है यार कोई मसला ही नहीं है वो बड़ी पकड़ में आने वाले राइट सो तो आई होप दिस हेल्प्स यू सो आप देखो एक मिनट के लिए हम लोग कॉपरेट बुक्स पढ़ रहे हैं बट सारे उसूल रिलीजन से जाके मिल रहे हैं येस और नो ठीक है हमने गोरे की बुक पढ़ी है साइकोलॉजिस्ट की बुक पढ़ी है जो मुस्लिम भी नहीं है बट ऐसा नहीं लगता कि सारी चीजें पार्ट ऑफ द रिलीजन है राइट सो लॉ ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ रिलीजन बहुत बेसिक है अच्छा करोगे अच्छा घूम के आएगा बुरा करोगे बुरा घूम के आएगा और अच्छा सिर्फ दूसरों के साथ नहीं करना है अपने साथ भी अच्छा करना है कभी कभार आप अपने साथ भी बहुत बुरा करते हो आपकी जो दिल की ख्वाहिहशें आप नहीं कर रहे ना तो आपकी बॉडी के साथ आप बुरा कर रहे हो आपके माइंड के साथ आप बुरा कर रहे हो जाओ जागे अपनी ज़िंदगी जी लो सिमरन ठीक है शाहरुख खान जैसे बड़े आदमी ने बोला है सो थैंक यू वेरी मच आई होप दिस हेल्प्स यू एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम अफगानिस्तान मैं काबुल में हूँ इस वक्त अभी इनशाला सो रिमेंबर इन एंड इनशा सुबह be back.